लोगों का काम है हमें पीछे खींचना, वो खींचेंगे। अगर आप जॉब में अच्छा कर रहे हो तो आपको ये कहा जाएगा कि घर नहीं संभालते। अगर आप होम मेकर हो, आपने घर बहुत बढ़िया रखा है, तो आपको कहेंगे अरे पढ़ाई वेस्ट कर रही है, कमा नहीं रही, पति का सपोर्ट नहीं कर रही। सो लोग जज करेंगे आपकी कहानी, सिर्फ आप जानते हो। किसी को हक नहीं दो कि वो आपकी वर्थ आपको बताए। हाय एवरीवन, आई एम नमिता, वेलकम टू माय चैनल। एंड ऑन दिस चैनल आई मोस्टली मेक वीडियोस रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस काइंड ऑफ वीडियोस। सो टुडेज़ टॉपिक इज गोइंग टू बी कॉन्फिडेंस फॉर वुमेन। वुमेन एक्चुअली हैव इमर्ज्ड एज वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी इंडिपेंडेंट इन पास्ट फ्यू ईयर्स। दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स, बट स्टिल देर आर सम वुमेन हु आर स्ट्रगलिंग। जब कंपेयर करते हैं वो अपने आप को दूसरे वुमेन के साथ, दे फील दैट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट एट देयर वर्क प्लेस, और मे बी दे कंपेयर देमसेल्व्स इन सोसाइटी विद अदर वुमेन इन देयर फैमिलीज एंड विद देयर रिलेटिव्स एंड विद देयर फ्रेंड्स एज वेल। सो यू फील अंडर कॉन्फिडेंट। सो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। वुमेन, औरतें, लेडीज, गर्ल्स ऐसा क्या कर सकती हैं सो दैट दे स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट, बिकॉज For us, confidence is something different from what it is for men. As women, already life is not that fair, right? We have some natural biases. We have our monthly cycles going on. We get pregnant. We go through childbirth, which is a lot of physical and emotional pain. And then raising a child is another pain. So we face a lot of things. So we need to be confident if we really want to grow as a person. So the first thing we can do as women is be kind with ourselves. So to all the women who are watching this video, I want to say that please be kind to yourself. हमारे आसपास के लोग, हमारे फैमिली में ही हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन के साथ बड़े होते हैं, देन वी एंड अप बींग हार्श टू ourselves ओनली। हम लोग अपने साथ ही इतने रूखे और सख्त हो जाते हैं, ऐसी सेल्फ टॉक हमारी हो जाती है, हम अपने बारे में ही गलत बोलना शुरू कर देते हैं। एंड देन वी डोंट टेक रेस्ट वेन वी आर इन पेन। We go through so many hormonal changes, so many physical changes are happening that we don't address to them and we just let it be, and then हमारी mental health बहुत suffer करती है। Physically तो हम suffer कर ही रहे होते हैं, हम इतने harsh हो जाते हैं ना अपने साथ कि हम खुद को प्यार नहीं कर पाते, हम खुद को वक्त नहीं दे पाते, खुद को आराम करने का मौका नहीं देते। तो ये एक चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बहुत कम कर रही है, दैट यू आर नॉट काइंड टू योरसेल्फ। अपने साथ थोड़ा नरम हो जाओ, अपने साथ थोड़ा सख्ती से नहीं पेश आओ। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, कॉम्प्लीमेंट अदर्स। येस, अ कॉन्फिडेंट फीमेल विल मेक श्योर दैट शी इज कॉम्प्लीमेंटिंग अदर्स। नाउ वुमेन के साथ में ये बड़ी कॉमन चीज़ होती है कि वो लोग दूसरों को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते जल्दी से ना, आप दूसरी फीमेल्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। इसको गलत तरीके से नहीं लेना, बट थिंक अबाउट इट, हम किसी की तारीफ फटाफट नहीं करते। कोई खूबसूरत लग रहा है तो हमको दो मिनट लगते हैं सोचने में कि हम उसको ये बोले कि नहीं बोले। किसी ने बहुत अच्छी कोई स्पीच दी ऑफिस में, हम जाके बोले उसको। किसी ने बढ़िया खाना बनाया तो हम ये कहें। किसी ने कोई किसी का प्रमोशन हुआ है या किसी ने कोई नया वेंचर शुरू किया तो हमको कॉम्प्लीमेंट देना पता नहीं बड़ा मुश्किल क्यों लगता है। दूसरे की अचीवमेंट कई बार हमको ऐसा लगता है कि अपनी कमी पे हम पहुंच जाते कि मैं क्यों नहीं कर पाई। मतलब एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, जैसे वुमेन में एक नेचुरल जेलसी वाली इंस्टिंक्ट होती है, तो उसकी वजह से हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इफ़ यू ट्रूली वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट, स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल। जो कॉन्फिडेंट लेडीज़ होती हैं वो कभी घबराती नहीं है। अगर कोई और औरत अच्छा कर रही है तो ऐसे सोचो कि पूरी कम्युनिटी ऑफ फीमेल्स, आर होल क्लैन इज़ डूइंग वेल। वेमेन हु हैव कम आउट ऑफ दिस होल पेट्रियार्की, इट्स अ बिग डील। वी नीड टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी अचीवमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट अदर्स, इट विल बी अ बिग साइन ऑफ योर कॉन्फिडेंस। नाउ द थर्ड थिंग, बी नाइस एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। नाइस हम अपने साथ भी नहीं होते हैं, दूसरों के साथ भी कई बार नहीं हो पाते, उसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी रहती है आस पास। फर्स्ट ऑफ ऑल बी नाइस टू योर सेल्फ, अपने साथ अच्छे हो। शुरुआत करो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देने की। जब आप सुबह तैयार हुए हो, फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड अपने आप को ही कॉम्प्लीमेंट दो। क्या कमाल की लग रही हो आज, कि साड़ी का कलर तुम पे कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ तुमने ये ड्रेस खरीदी, इस ड्रेस को तुम ज़्यादा बढ़िया लगने दे रही हो, समथिंग लाइक दैट। देन ओनली यू विल बी नाइस टू अदर्स। फिर दूसरों के साथ भी नाइस हो जाओ, पोलाइट हो जाओ, अच्छे से बर्ताव करो, एंड देन यू विल नोटिस दैट यू आर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। उतनी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। जब हमारे मन में, हमारे थॉट्स में, हमारे माइंड में नेगेटिविटी नहीं है तो हम उसको स्प्रेड भी नहीं करते। सो इट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। इफ यू ट्रूली वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट, ट्राई टू स्प्रेड पॉजिटिविटी बाई बींग नाइस। द फोर्थ थिंग इज, ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू विल ट्रीट योर बेस्ट फ्रेंड और योर लवर। जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त या जिनसे आप प्यार करते हैं या आपके पार्टनर जिनको आप ट्रीट करते हो ना,
कैसे उनकी केयर करते हो, कैसे उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो, कैसे उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हो, उनको तोहफे देते हो, उनके लिए वो सब चीज़ें करते हो जिनसे उन्हें अच्छा महसूस हो, वैसे ही अपने आप को ट्रीट करना शुरू करो। हम इसलिए भी लो ऑन कॉन्फिडेंस रहते हैं क्योंकि हम खुद को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, हमारे अंदर सेल्फ लव बहुत बुरी तरह से मिसिंग है। अब उसमें आपका कसूर नहीं है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों की ग्रोइंग अप ईयर्स में, अपब्रिंगिंग में वो पार्ट था ही नहीं, सेल्फ लव हमको सिखाया ही नहीं, तो हमको पता भी नहीं है। सो वी स्ट्रगल, दोज हु नो व्हाट सेल्फ लव इज, दोज हु नो कि अपने आप को पहले अच्छे से ट्रीट करना है, आर इन लव विद देम सेल्स, और वो लोग कॉन्फिडेंट भी होते हैं। तो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इट इज बिकॉज दे डोंट नो दैट दे हैव टू ट्रीट देम सेल्स नाइसली। द डे यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर सेल्फ नाइसली, जैसे आप उन लोगों को ट्रीट करते हो जिन्हें आप प्यार करते हो, आप वैसे ही दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट इंसान हो जाओगे। द फिफ्थ पॉइंट, एंड दिस इज रेलिवेंट फॉर एवरीबडी, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप एक्चुअली कॉन्फिडेंट फील नहीं करना शुरू कर देते हो, तब तक फेक करो। यस, हम फेक कर सकते हैं, हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फेक नहीं करते। अंदर से दिल टूटा हुआ है, हालत ख़राब है, उठने का भी मन नहीं कर रहा था लेकिन ऑफिस आ गए और जब किसी ने पूछा और कैसे हो, बस बिल्कुल ठीक है, यू फेक अ स्माइल। सो फेक करना इतना मुश्किल नहीं है, हम अपनी आधी ज़िंदगी फेक करते हुए आ रहे हैं। हम लोग सब एक्टर्स होते हैं, नहीं हम कहाँ अपना दिल खोल के लोगों को बताते हैं कि अंदर से क्या चीज़ इतनी चुभ रही है। हम ऐसे ही दिखाते हैं कि सब ठीक है, ऐसे ही आपको कॉन्फिडेंस भी दिखाना है। यू हैव टू फेक दैट यू आर कॉन्फिडेंट, जाके लोगों से बात करो, अंदर से हालत ख़राब हो रही है, नर्वस हो, टांगे कांप रही हैं, बट जाके दूसरे को जब ये बोलोगे हाय, कहीं इनिशिएट करनी है कोई कॉन्वर्सेशन, या फिर आपको किसी इंटरव्यू के लिए अपेयर करना है, या कोई प्रेजेंटेशन देना है, कोई सेमिनार कंडक्ट कर रहे हो, जस्ट फेक योर कॉन्फिडेंस, और फेक करते 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 ही हमको वो आ जाता है। यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट, तब तक एक्टिंग करो जब तक बढ़िया एक्टर ना बन जाओ। नाउ दिस सिक्स्थ पॉइंट इज माई मैसेज टू ऑल माई लवली फीमेल व्यूअर्स राइट नाउ, प्लीज डोंट लेट अदर्स टू डिफाइन योर सेल्फ वर्थ। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हमारी सेल्फ वर्थ दूसरे डिफाइन करते हैं, दूसरे डिसाइड करते हैं, ये दूसरों के हाथों में है कि वो हमको बताएं हम कितने वर्दी हैं। हमारी सेल्फ वर्थ सिर्फ हम डिसाइड करेंगे, हमारी ज़िंदगी की कहानी सिर्फ हमको पता है, हमारे चैलेंजेस सिर्फ हमको पता है, किस आग के दरिया को पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जितना भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। लोगों का काम है जज करना, लोगों का काम है हमें पीछे खींचना, वो खींचेंगे। अगर आप जॉब में अच्छा कर रहे हो तो आपको ये कहा जाएगा कि घर नहीं संभालते, अगर आप होम मेकर हो, अपने घर बहुत बढ़िया रखा है, तो आपको कहेंगे अरे पढ़ाई वेस्ट कर रही है, कमा नहीं रही, पति का सपोर्ट नहीं कर रही। सो लोग जज करेंगे, आपकी कहानी सिर्फ आप जानते हो, किसी को हक नहीं दो कि वो आपकी वर्थ आपको बताए। आपकी वर्थ यहां है आपके दिल में, आपको पता है आप कितने वर्दी हो, और आप वर्दी हो। हम सब मजिशियंस हैं, हम सब कमाल के लोग हैं, हमारी वर्थ सिर्फ हम डिसाइड करेंगे। हम जो भी कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमने जो डिसीजन अपनी लाइफ के लिए लिया, वो हमने क्यों लिया, ये सिर्फ हमको पता है, कोई और हमको नहीं बताएगा। लेडीज, अपनी वर्थ सिर्फ आप डिसाइड करो, ये भी सिर्फ एक इकलौती ये चीज कर लोगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। नाउ सेवेंथ पॉइंट, विच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेंबर दैट इंस्टाग्राम, फेसबुक और एनी सोशल मीडिया इज नॉट रियल लाइफ। यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। इस सोशल मीडिया के इतने इन्फ्लुएंस वाले टाइम पे हम लोग कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को दूसरों से, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर्स भी हैं, यहाँ पे लोग फेक भी करते हैं, सब कुछ भी रियल नहीं है। आप जो देख रहे हो ना, ये सब बहुत ज़्यादा फोटोशॉप्ड है, बहुत सब कुछ है। आप अपनी बॉडीज़ को, अपने स्किन कलर को, अपने फीचर्स को कंपेयर करते हो दूसरों के साथ में, एंड समवेयर यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट ब्यूटिफुल, यू आर नॉट अट्रैक्टिव, यू आर नॉट गुड इनफ। रिमेंबर दैट यू आर ब्यूटिफुल, एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड इज ब्यूटिफुल। ये कौन डिसाइड करेगा कि सनफ्लावर ज़्यादा खूबसूरत है या रोज ही सिर्फ इकलौता खूबसूरत फ्लावर है? वट अबाउट लोटस, वट अबाउट लिलीज, वट अबाउट जैस्मिन, वट अबाउट मैरी गोल्ड? देर आर सो मेनी फ्लावर्स। सो ऐसे ही हम लोग भी हर रंग के साथ, हर बॉडी शेप के साथ, हर हाइट के साथ, हर तरह की आंखों के साथ, हर तरह के फीचर्स के साथ खूबसूरत हैं। खूबसूरती कोई और आपको नहीं बताएगा, आप खूबसूरत हो, ये आपको रोज खुद को कहना होगा। और जिस दिन आप खूबसूरत फील करने लगोगे, उस दिन कॉन्फिडेंस तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब कॉन्फिडेंट के भी और ऊपर लेवल पे आप चले जाओगे। यू विल बी सुपर डुपर कॉन्फिडेंट, यू आर going to feel amazing. So it's all about feeling. Tell yourself that you are beautiful and you are beautiful. So on this beautiful note, I'm going to end this video and I'm going to see you in my next video. If you like this video, then hit the like button and you can consider subscribing to my channel. Until then, just keep loving yourself unconditionally. Keep working on your improvement. Bye-bye.